आप सभी का डिजाइन पाठशाला YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्राफ्ट एंड डिजाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर अभी तक डिजाइन पाठशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि डिजाइन कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैं बनाते रहता हूं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम का हो या एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना हो, बहुत सारा वीडियो मैं बनाते रहता हूं। और पर ईयर का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन से लेके प्रिपरेशन तक का सारा मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। अगर बेल बटन प्रेस किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप उस वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो के थ्रू आप अपना प्रिपरेशन सही वे में कर पाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राफ्ट एंड डिजाइन में कैरियर हम कैसे बनाते हैं, कौन सा कॉलेज इंडिया में है जिसमें हम एडमिशन लेके और उस कोर्स को करके हम अपना कैरियर को बना सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राफ्ट एंड डिजाइन में कैरियर बनाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन IICD, भारतीय शिल्प संस्थान, जो 1995 में स्टार्ट किया गया है। IICD जयपुर में तीन टाइप के कोर्सेस हैं। पहला कोर्स BDash 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। दूसरा है आपका MDash 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। तीसरा है MVOC, मास्टर इन वोकेशनल इन क्राफ्ट एंड डिजाइन, ये आपका 3 ईयर्स का है। और दिस कोर्स इज ओनली फॉर नॉन डिजाइन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं कि IICD जयपुर द्वारा कौन कौन सा कोर्स ऑफर्ड किया जा रहा है, कौन कौन सा कोर्स इसमें है। तो पहला कोर्स आपका है सॉफ्ट मटेरियल डिजाइन, दूसरा है हार्ड मटेरियल डिजाइन, तीसरा फायर्ड मटेरियल डिजाइन, चौथा फैशन क्लोथिंग, पांचवा क्राफ्ट कम्युनिकेशन, और छठा है ज्वेलरी डिजाइन। ये सारे कोर्स का जो अंडर ग्रेजुएट में मींस BDash में पढ़ाया जाएगा वो 4 ईयर्स का कोर्स है, मींस 8 सेमेस्टर, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 180। 2021 से IICD और IIGJ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी का कोलैबोरेशन हो गया है। इसमें ज्वेलरी डिजाइन का स्पेशलाइजेशन कोर्स होगा। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज है, गुड न्यूज है कि आपको कोर्स में ज्वेलरी डिजाइन जिनको करना है उनके लिए स्पेशलाइजेशन के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन IICD के साथ कोलैबोरेट हो चुकी है। बैचलर डिग्री में कॉलेज क्या क्या टॉपिक पे फोकस करती है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको क्राफ्ट एंड डिजाइन कोर्स करने में आपको ज्यादा क्लियर हो, आप उसको बेटर वे में समझ के आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखते हैं BDash जो बैचलर प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सा टॉपिक फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे क्राफ्ट एंड डिजाइन, सेकेंड है स्किल एंड एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्राफ्ट मटेरियल्स एंड देयर प्रोसेस, फील्ड एक्सपोजर, कस्टमर मार्केट नीड्स एंड डिजाइन प्रोसेस। तो ये सारा टॉपिक बैचलर इन डिजाइन में फोकस किया जाता है, ताकि मार्केट के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट एजुकेशन दे। नाउ टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है IICD में एडमिशन लेने के लिए उसको हम लोग देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू UG प्रोग्राम्स इन IICD इज स्टूडेंट शुड क्वालिफाई 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, या स्टूडेंट अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो स्टूडेंट प्लस टू में है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन IICD में हो रहा है उस समय आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए, तभी वो कंसीडर होगा और आपका एडमिशन अप्रूव्ड होगा। IICD का फॉर्म दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक के लगभग आ जाता है, और एग्जाम अप्रैल एंड या मई में आपका हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लें जब भी फॉर्म आए, इसका जो मैं डेट बताया हूं आप वेबसाइट चेक करते रहें, ऐसे नोटिफिकेशन मेरा
यूट्यूब का जो आपका कम्युनिटी है उसके थ्रू मैं देता रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है, उसमें उसका सिलेबस क्या है, उसमें एग्जामिनेशन टाइप क्या है। सिलेबस तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन टाइप ऑफ एग्जाम मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर रिटन पेपर होता है, जिसमें पेन एंड पेपर के थ्रू आपका एग्जाम होगा। सेकेंड जो पेपर है वो आपका मेटेरियल हैंडलिंग, मेटेरियल से डिफरेंट टाइप का मेटेरियल से आपको मॉडल या क्राफ्ट डेवलप करना होगा। क्राफ्ट डेवलप करके या कोई मॉडल डेवलप करके जब आप उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके थ्रू आपको पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको जब एग्जाम में, जब फर्स्ट एग्जाम में रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो आपको सेकेंड एग्जाम के लिए आपको आईएससीडी जयपुर बुलाया जाएगा। सेंटर पे ही पोर्टफोलियो का इवेल्युएशन होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें वेटेज है कि जो तीन टाइप का अभी हम एग्जाम बताएं, रिटेन, प्रैक्टिकल में मटेरियल हैंडलिंग का, पोर्टफोलियो इंटरव्यू, इसका वेटेज रखा हुआ है। उस वेटेज के थ्रू, उस वेटेज को देखते हुए आपका रैंक डिसाइड होगा। तो आइए देखते हैं वेटेज क्या है। अगर वेटेज की बात करें तो रिटेन एग्जाम का, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्रिएटिविटी एंड परसेप्शन का टेस्ट होता है, उसका 35% वेटेज है। ये 5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 30-35% वेटेज रहता है। सेकेंड जो है आपका प्रैक्टिकल, जिसमें मटेरियल हैंडलिंग, कलर, कंसेप्चुअल टेस्ट देखा जाता है, उसका 40-45% वेटेज होता है। और पर्सनल इंटरव्यू का 20% वेटेज होता है। मीन्स 100% में आपका डिवाइड है कि 35, 45 और 20, या 30, 50 और 20। तो ये आपका वेटेज रखा गया है, वेटेज से ही आपका रिजल्ट और रैंक काउंट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है कि कॉलेज का फी क्या है। तो आईएससीडी में फी अगर आप हॉस्टल के साथ लेते हैं तो 2,19,000 के लगभग फी होता है पर ईयर। कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, लेकिन 2,19,000, 2,20,000 के अप्रोक्स फी है। अगर विदाउट हॉस्टल लेते हैं तो 1,60,000, 1,65,000 के लगभग फी है। फी का अगर इशू है, अगर पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एंट्रेंस एग्जाम में बेटर करें, एडमिशन लें, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के आप या तो बैंक लोन ले सकते हैं या फिर अपने स्टेट का स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। आईएससीडी में भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वहाँ भी आप स्कॉलरशिप लेकर आप अपना पढ़ाई को, 4-year डिग्री कोर्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट और पैकेज की बात होती है, तो आईएससीडी का प्लेसमेंट और पैकेज अच्छा है। पैकेज तो आपके क्रिएटिव स्किल पे डिपेंड है, कंपनी पे डिपेंड है। प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनियां आती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं कुछ कंपनियों का नाम बताता हूँ। सेट्स ऑफ इंडिया, जयपुर रक्स, एडिडास, बिरला सेंचुरी, टाटा सेरामिक्स, लूमा वर्ल्ड, एशियन पेंट्स, फाइव इंडिया, रतन जयपुर, रिलायंस रिटेल, रंग सूत्रा, और भी बहुत सारी कंपनियां आती है। मैं कुछ का लिस्ट आपको बताया, लेकिन आप अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करें, अच्छा CGPA, अच्छा मार्क्स ला के पास हो, आपको 100% जॉब लगेगा और अच्छा पैकेज में लगेगा। ऐसे कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप होता है, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है। तो जब भी आप इंटर्नशिप में जाएं या ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करने को किसी कंपनी में जाएं, तो वहां आप अपना रिलेशन कंपनी के साथ बिल्ड करें, आप अपना वर्क परफेक्ट वे में करें और रिलेशन बिल्ड करें, ताकि वो इंटर्नशिप या ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में ही आपको हायर कर ले, आपको प्लेसमेंट का ऑफर दे। तो ये वेटर होता है। तो ये आईएससीडी के बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ किया, जिसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को मैं अभी आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में भी मैं बताऊंगा, और आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और आईएससीडी के बारे में, उससे कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, उसका ब्रांच जो है, जो कोर्स ऑफर करते हैं उसमें क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, तो आईएससीडी का वेबसाइट पे विजिट करें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कॉल पे भी पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालिए, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसको मैं बताऊंगा कि आईएससीडी में हार्ड मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल या फैशन क्लोदिंग
या फिर जो क्राफ्ट कम्युनिकेशन है या ज्वेलरी डिजाइन है उसमें क्या होता है, कैरियर कैसे बन सकता है, प्लेसमेंट में क्या करना होता है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूँगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करें और बेल बटन प्रेस कर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं भी ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद।